क्योंकि गॉड मुझसे खुद बातें करते हैं, मुझसे बातें करते हैं कि मैं गॉड की बेटी हूँ, मुझसे बातें करते। गॉड कहते हैं जा राके सबको बोल कि सब लोग सुधर जाए। हाय राखी जी। न्यूज़पेपर बंद भी हो गया है। दुनिया से चला जाएगा फिर भी कितने पाप करता है। मैं गॉड की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ लोगों को मैसेज देना चाहिए कि गॉड ने बोला है कि लोगों को मैसेज दो कि नर्क बहुत बुरा है, तो जितना कम पाप कर सको पाप कम करो, करो ही मत, नर्क बहुत बुरा है। क्योंकि यहाँ से जो लोग पहले चले गए हैं वो खुद चिल्ला रहे हैं जो नर्क में हैं कि नर्क बहुत बुरा है, हेल जिसको हेल बोलते हैं बहुत बुरा है, कठिन रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल है। आप लोग इन बातों को मानते हो कि नहीं मानते? डू यू बिलीव इन हेल एंड हेवन? मानते हैं, मानते हैं। हर एक में लिखा है। हाँ, हर एक के मतलब बाइबल सब में है, हर हर एक ग्रंथ में है। मैंने तो अपना चेंज कर लिया है। आप लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में सब लोग अपने आप को चेंज करें, एक नया मैसेज दें। क्योंकि मैं रोज़ कहती हूँ कि गॉड मैं आपका वचन फैलाऊंगी, सब जगह बोलूंगी लोगों को पाप ना करें, पाप ना करें। और बिल्कुल भी डरे नहीं वैक्सीन लेने के लिए, पाप नहीं करना है। पाप चाहे इतना हो पाप पाप होता है। शराब इतनी हो या इतनी शराब होती है। बहुत सैड हूँ मैं आज, है ना, कि काश मेरा बस चले तो मैं सबको हेवन दे दूँ। हेवन होता है ना, हेवन स्वर्ग, स्वर्ग स्वर्ग दे दूँ। लेकिन जो भी इंसान पाप करेगा ना उसको भुगतान है। आपने देखा है कभी हेल देखी है आपने? नरक देखा है? पिक्चरों में देखा है। पीने के बाद नरक दिखता है? नहीं, इनको तो पीने के बाद स्वर्ग दिखता है। कहते हैं पीने के बाद तो स्वर्ग दिखता है। कि जो भी इंसान ना पीने के बाद, तो वो इंसान सेंस में नहीं रहता ना कि वो क्या कर रहा है, फिर सारी गलतियां होती। लोग कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, आठ बजने के बाद पीने लगता है। मैं इतना कहती हूँ कि पीने से, ड्रिंक्स करने से क्या आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे। सिर्फ आप रात को पिएंगे कुछ ना कुछ गलत होगा, फिर सुबह पछताएंगे। सो हम सबको कसम खानी चाहिए कि कोई भी शराब नहीं पिए। कितने लोग कसम खा रहे हैं यहाँ पे आज? मैं शराब नहीं पीता। तो लगता है तेरे को शक्ल से ही लग रहा है पीता है ना? तुम पीते हो क्या? आप पीते हो क्या? आपको क्या लगता है शराब बैन होना चाहिए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में शराब बैन होना चाहिए। शराब गॉड के खिलाफ है, क्योंकि सारे पाप और सारे बुरे काम शराब से ही होते हैं। जब इंसान शराब पी के होता है तो उसे नहीं पता अपनी बीवी को मार रहा है, उसे नहीं पता वो चोरी कर रहा है, उसे नहीं पता वो बहुत सारे गलत कांड कर रहा है, उसे नहीं पता वो अपने सेंस में रहता नहीं है। और जब शराब पियोगे तो गॉड की आत्मा जो एंजल्स होते हैं वो आपके शरीर में नहीं होते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर है, एक टेम्पल है, इसको शुद्ध रखना है, इसे अशुद्ध नहीं रखना है। आप अब्यूज़ करते हो, पता है शराब पीने के बाद क्या 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 करते हो, बहुत गलत बात है गाइस। जिससे कोरोना आके सबको बर्बाद करके चला गया, ट्रस्ट मी यू नो हेल बहुत बुरा है, नर्क बुरा है भाई साहब।
भाई साहब नरक बुरा है, नरक बुरा है। तो मैं एक मैसेज आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि गॉड मुझसे खुद बातें करते हैं, मुझसे बातें करते हैं, क्योंकि मैं गॉड की बेटी हूँ, मुझसे बातें करते हैं। गॉड कहते हैं जा रहा सबको बोल कि सब लोग सुधर जाए, नरक बुरा है। इसलिए मैं मैसेज फैला रही हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है? इधर पीछे गाड़ी में। आज मैं गाड़ी में नहीं जा रही, आज मैं